प्यार, प्यार का दूसरा नाम है त्याग और विश्वास। प्यार का मतलब किसी को पाना नहीं होता। प्यार में कोई बंधन नहीं होता। प्यार की कोई हदें नहीं होती। प्यार करना गुनाह नहीं होता, लेकिन प्यार में आपका मतलब पूरा हो जाए ये गुनाह है। आज के जमाने में प्यार कम और मतलब ज़्यादा है, जिससे हर रिश्ते का मतलब ही कुछ और बन जाता है। प्यार में जरूरी नहीं कि साथ ही रहा जाए, कुछ दूरियां भी प्यार को बढ़ाने का काम करती हैं। प्यार केवल एक एहसास है, जिसे केवल महसूस किया जाता है। प्यार से किसी को धोखा देकर यह मत सोचना कि वह कितना बेवकूफ़ है, बल्कि यह सोचना कि उन्हें तुम पर कितना विश्वास था। प्यार में इतनी ताकत होती है कि वह इंसान को आबाद भी कर सकता है और बर्बाद भी कर सकता है। जब कोई इंसान आपसे दिल से प्यार करेगा, तो वह आपके लिए यह तीन कार्य जरूर करेगा: आपकी परवाह, आपका विश्वास और आपके लिए त्याग। प्यार और अकेलेपन का पौधा लगाने से पहले मिट्टी को अच्छी तरह से परख लेना चाहिए, क्योंकि हर मिट्टी की फितरत में वफा नहीं होती। प्रेम ही हथियार है और प्रेम ही ढाल। प्रेम से कई बार इंसान को छला गया है। प्रेम ही इंसान को कई बार मजबूर कर देता है। प्रेम इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है और सबसे बड़ी कमजोरी होती है। प्रेम ही इंसान को हर हद पार करना सिखाता है, और कई बार वह प्रेम नहीं इंसान को हद से में रहना सिखाता है। हमारे जीवन में कई ऐसे लोग भी होते हैं, जिन्हें हम चाहे कितना ही प्यार देते हैं, वह हमें आंसुओं और दर्द के सिवाय कुछ नहीं देते। ऐसे लोग नहीं तो आपकी भावनाओं को समझते हैं, ना ही आपके जज्बातों को। अंधा प्रेम भी किसी से नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रेम लोग हमें अंधा ही समझ देते हैं। इस दुनिया में सबसे बड़ा महान कार्य लोगों को समझना है, क्योंकि लोग मुंह पर कुछ और पीठ पीछे कुछ और होते हैं।